अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। और सुबह हम गए थे फ्रोज़न लेक और अब इंशाल्लाह हम चलते हैं यहाँ के सेंटर सराटोव के, जिसे प्रोस्पेक्ट भी कहते हैं। तो चलिए, बड़ी ख़ूबसूरत जगह, इंशाल्लाह दिखाता हूँ आपको भी। सबसे पहले अगर बात की जाए रशियन वेदर की, तो रशियन वेदर हमेशा से ही बहुत ज़्यादा सर्द रहा है। मेरी सजेशन न्यू स्टूडेंट्स को और बाकी जो लोग विज़िट करना चाहते हैं, उसके लिए आ रहे हैं विज़िट के लिए, उन सब को ये सजेशन है कि अपने साथ अपनी जैकेट्स, ग्लव्स, कैप्स, जो भी मोटे कपड़े उनको लगता है कि ज़रूरी है, वो अपने साथ ज़रूर लेके आएं, क्योंकि इनके बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बर्फ़ है वो तकरीबन एक एक फीट तक ज़मीन पर जमी हुई है। हालाँकि आज स्नोफॉल बिल्कुल नहीं हुआ और जो आज टम्परेचर है वो आलमोस्ट -14 रहा है। जहाँ तक आप देखेंगे ताह देने का, आपको सिवाय बर्फ़ के और कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी, और ये यहाँ की सबसे ज़बरदस्त ब्यूटी है। ये जो भी आपने पीछे मार्केट देखी है, ये मार्केट एक सुपर स्टोर है। यहाँ से तकरीबन हर एक चीज़ बड़ी मुनासिब रेट पे मिल जाती है। तो इंशाल्लाह अगर आप में से कोई यहाँ पे आए तो यहाँ से ज़रूर चीज़ें परचेज़ करें, चीज़ें बड़ी इकोनॉमिक और बड़ी मुनासिब रेट पर मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोस्पेक्ट पहुँच गया हूँ, तो आए आपको प्रोस्पेक्ट दिखाता हूँ, जो इनका मेन सेंटर है शहर के अंदर। यहाँ पे तकरीबन खाने पीने की हर चीज़ मिल जाती है, शॉपिंग वगैरह भी और बैंकिंग सिस्टम वगैरह भी, हर चीज़। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे लाहौर की तरह इनका प्रोस्पेक्ट भी बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे फूड स्ट्रीट और माल रोड है। यहाँ पे पैंट शर्ट, शूज़, कैप्स, जैकेट्स वगैरह की शॉपिंग से लेके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स से लेके पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, बिरयानी, पुलाव, हर एक किस्म खाने की चीज़ तक आपको हर एक शॉप यहाँ पे मिलेगी। जिस तरह का यहाँ का खूबसूरत मौसम है, बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ के खूबसूरत लोग भी हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। किसी भी किस्म का आपको मसला हो, किसी भी किस्म की परेशानी हो, आपको लैंग्वेज में कोई मसला आ रहा है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ही ज़्यादा है, आपने कहीं से पैसे निकलवाने हैं, कुछ एड्रेस पूछना है, दे पीपल आर रियली रियली सपोर्टिव। ये आपको टोटली समझाएंगे भी, और इवन इनका बस नहीं चलता, ये आपको वहाँ तक छोड़ के भी आए जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, जिस जगह का आप इनसे एड्रेस पूछ रहे हैं। काफ़ी कंट्रीज़ में इस तरह होता है कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स का कन्फ्लिक्ट बड़ा ज़्यादा रहता है, और बहुत से लोग इस तरह के भी हैं, जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो वो विज़िटर्स को या स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं है। ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, और जो फॉरनर्स, विज़िटर्स, स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल जो होते हैं, उनको बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनको पसंद भी करते हैं। यहाँ पे एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा करीब तो नहीं, लेकिन कुछ फासले के बाद आपको मस्जिद नज़र आ जाती है, और वहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हैं, अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। जैसे कि आपने अक्सर कंट्रीज़ वगैरह में देखा होता है कि कन्फ्लिक्ट हमेशा मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के बीच रहता है, इवन के पाकिस्तानी लोगों को भी बड़ा पसंद करते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होता, आप इजीली और फ्रीली कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं बाहर थोड़ा सा लेट निकला हूँ, जिसकी वजह से आपको रोड्स पे रश इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, वरना यूजुअली सैटरडे संडे को उसको तो आप जाने दें, बाकी नॉर्मल डेज़ में भी, पूरे वीक में भी यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि ऐसे ही लगता है कि जैसे मतलब सुबह छुट्टी है। तो हमारे लिए ऑलमोस्ट रोज़ ही छुट्टी होती है, क्योंकि हमारी अभी न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। ये है जी मेगाफोन, और इसके साथ ही है MTC। ये दोनों ही मोबाइल नेटवर्क कंपनीज़ हैं, और मैंने दोनों यूज़ की हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी MTC है, और वो इसलिए कि इनके पैकेजेस अच्छे हैं। आप 500 रूबल्स में एक मंथ के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट ले सकते हैं, और इसके साथ ही इसकी मैग्नेट की, ये है मैग्नेट, जिसके रेट्स बहुत मुनासिब हैं,
और साथ ही है ये बैंक। बैंक का नाम है स्वीर बैंक। ऑलमोस्ट रशिया में 95% जो काम है वो ऑनलाइन ही होते हैं। तो मैं भी जब यहाँ पे आया था मैंने सबसे पहले करेंसी चेंज करवाई थी रूबल्स में, और उसके बाद फिर अब मैं कार्ड ही यूज़ करता हूँ। तो मेरे सजेशन यही है कि अगर आपको सिम चाहिए हो तो MTC की ख़रीदिएगा, और अगर कोई अकाउंट वगैरह बनाना है तो वो स्वीर बैंक में बनाइएगा। ऑलमोस्ट स्वीर बैंक हर ऑनलाइन शॉपिंग में, हर मॉल वगैरह में अवेलेबल होता है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी खा पी सकते हैं यहाँ पे, हलाल और हराम ऑलमोस्ट हर चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ खाना चाहते हैं, हर चीज़ मिल जाती है। इस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस वो तो अपनी जगह, लेकिन डिपेंड करता है कि जो वहाँ की आवाम है वो कितनी को अकल समझ रखती है, वो कितनी को तहजीब याफ्ता है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, कम ही आ जा रही हैं, लेकिन जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं होगा लोग रोड क्रॉस नहीं करेंगे। ये हमारे पाकिस्तान वाली बात नहीं है कि सिग्नल रेड भी है लेकिन लोगों को इतनी जल्दी है, काम भी कोई नहीं है लेकिन जल्दी भी बहुत ज़्यादा है कि हर बंदे ने जल्दी जल्दी जाना है। उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस का या उसको अपनी जान का इतना ज़्यादा कोई भी एहसास नहीं, वो बस जल्दी में जाना चाहता है और सारे जो रूल्स हैं उनकी वॉयलेशन करता है। तो यहाँ पे ऐसी आपको कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी, लोग बड़े ही तहजीब याफ्ते हैं, हर टाइम पे ही उन्होंने अपना काम करना और हर काम उनका बिल्कुल प्रॉपर और एक्यूरेट होता है। बाकी बहुत से दोस्त पूछते हैं खाने पीने का। खाने पीने में आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, हलाल भी और हराम भी, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि हमें कुछ खाने पीने के लिए कुछ सेपरेट या कुछ अलग से करना पड़ेगा, एक वो भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लोगों का ज़्यादातर ये होता है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया की जो नेटिव लैंग्वेज है वो रशियन है, इंग्लिश नहीं है, तो ये लोग अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, इसलिए ये लोग इंग्लिश को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। अगर कोई बंदा छोटी सिटी में आता है और यहाँ पे आके जॉब स्टार्ट करना चाहता है या कोई काम करना चाहता है या कुछ भी, तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसको रशियन लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। विदाउट रशियन लैंग्वेज यहाँ पे आप कोई भी काम या कोई भी जॉब नहीं कर सकते, रशियन लैंग्वेज आना आपको मस्ट है, क्योंकि यहाँ के लोकल्स जो हैं वो ना इंग्लिश सीखते हैं ना इंग्लिश को इतना प्रेफर करते हैं। स्वीर बैंक जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, और ये आगे कॉर्नर पे बस एंड पे ख़त्म होने वाला प्रोस्पेक्ट, तो प्रोस्पेक्ट तकरीबन ख़त्म होने वाला है और प्रोस्पेक्ट के लास्ट पे मेरी यूनिवर्सिटी है, तो मैं आपको यूनिवर्सिटी भी दिखाता हूँ बाहर से, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी अंदर से भी विज़िट करूँगा। तीसरा क्वेश्चन लोगों का होता है अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन की कोई परेशानी नहीं है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंस्टीट्यूट आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। मेरे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के केस में मुझे अकोमोडेशन में फ्रिज, इस्त्री, पानी, बिजली, गैस, वॉशिंग मशीन, हर एक वो चीज़ मिली जो बेसिक और नेसेसरी नीड है मेरे लिए। और ये प्रोस्पेक्ट ख़त्म हो गया और अब मैं दिखाता हूँ। ये जी सामने मेरी यूनिवर्सिटी है, प्रोस्पेक्ट हो गया ख़त्म और अब आगे आ गई मेरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल पीछे, तो मैं आपको दिखा। ये जी यूनिवर्सिटी है, सारटव स्टेट अग्रारने यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी के बाहर का व्यू है। आज का व्लॉग करता हूँ ख़त्म और इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।